दिखाने जा रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, मथुरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही के कारण 3 साल की बच्ची बहीन यमुना नदी में ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास। मथुरा मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद भी मथुरा नगर निगम ने नहीं कसी कमर। जी हां, ऐसा ही मामला देखने को मिला मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के पास। 2 दिन पूर्व हुई बारिश में अपना जन्मदिन बनाकर लौट रही 3 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ बाइक पर आ रही थी। वहीं बाइक स्लिप होने के कारण बच्ची की माँ बाइक चला रहे उसके फूफा जी और 2 अन्य बच्चे बाइक पर सवार थे। उसी में एक बच्ची जो कि अपना जन्मदिन बनाकर घर पर जा रही थी, बाजार में पानी का बहाव तेज होने के कारण वहाँ बच्ची पानी से बह गई। वहाँ पानी यमुना में जा रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद भी वहाँ बच्ची नहीं मिली। आज उसका निरीक्षण करने पहुँचे मथुरा नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु और सहायक नगर आयुक्त अन्य अधिकारी। वहाँ मौजूद स्थानीय नागरिकों ने मेयर से कहा कि यहाँ नगर निगम की कोई व्यवस्था ना होने के कारण यह बच्ची यमुना में बह गई। अगर यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कोई रेलिंग की व्यवस्था की गई होती तो बच्ची बच जाती। अब नगर निगम द्वारा वहाँ पर स्टील की रेलिंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। व्यवस्था परसों बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो मोटरसाइकिल से गिर गई और वो यहाँ घाट पर बह गई और जमुना जी में चली। हमने बहुत कोशिशें कराई, सारी व्यवस्था लड़ाई, लेकिन वो बच्चे का नहीं सका। ये भी बड़े अत्यंत दुख की बात है। दूसरा ये है कि ऐसी आगे आने वाले समय में कोई अनहोनी घटना ना हो, इसकी दोबारा से कोई पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसके लिए हम इस घाट पर, जैसा कि हमारे स्वामी घाट पर फाटक लगा हुआ, उसी तरीके का स्टील का एक बहुत अच्छा फाटक, जैसा कि यहाँ कोई वाहन फेंक गया वो ना चला जाए, कोई आदमी ना चला जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि पुनरावृत्ति किसी की ना हो, इसलिए हम यहाँ ये व्यवस्था करा रहे हैं और एक अच्छा स्टील का यहाँ गेट बनवा रहे हैं, जिससे कि दोबारा से कोई घटना यहाँ पर ना हो। स्वामी घाट पर भी यही व्यवस्था हो रही है? स्वामी घाट पर भी वो व्यवस्था पहले से है, लेकिन वो गेट टूट गया, उसको दोबारा से बनवा रहे हैं, वो भी दोबारा से बनेगा। इसकी हाइट जो है 10 फुट है।